यूपी चुनाव 2022 से ठीक पहले अब अयोध्या मामले के बाद मथुरा का नाम चर्चा में है। ये नाम खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा में लाया गया है। जी हां दोस्तों, हिंदू महासभा के 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस बरसी पर मथुरा की शाही मस्जिद जल अभिषेक के ऐलान के बाद अब पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई है। तनाव का माहौल देखते हुए आगरा से भी पुलिस फोर्स की कई टुकड़ियां श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा भेजी जा चुकी है। इसी बीच मथुरा के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह फैसला किया है कि आने वाले शुक्रवार की जुमा की नमाज और 6 दिसंबर को शाही मस्जिद और ईदगाह छोड़कर अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम धर्मगुरु की वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है, जो मथुरा में मुसलमानों को अपनी स्थानीय मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिद में लोगों से गुजारिश करते हुए कह रहे हैं कि शुक्रवार को जुमे की नमाज और 6 दिसंबर बाबरी बरसी के दिन शाही मस्जिद पर भीड़ ना जुटाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो कहीं भी दंगा नहीं होने देंगे। हमें भी विश्वास है कि शाही मस्जिद और ईदगाह पर नहीं जाना है और हम सबको अपने घरों में और आसपास के मस्जिदों में नमाज पढ़ना है। इस तरह से भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। आपको बता दें दोस्तों कि मथुरा में हिंदू महासभा के ऐलान के बाद तनाव का माहौल बन चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो। जिले में धारा 144 तक लगा दी गई है। आगरा से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेज दी गई है। आगरा से 2100 पुलिसकर्मी और पैरा मिलिट्री जवान भेजे गए हैं। जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने घरों में इबादत करने की अपील की है मुसलमान समुदाय के लोगों से और कहा है कि शाही मस्जिद पर आप भीड़ इकट्ठा ना करें। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और रघुराज ने विवादित बयान दिया है, उसके बाद से सोशल मीडिया और पूरे देश में एक चीज ट्रेंड करने लगी है। जी हां, सोशल मीडिया पर सेव मथुरा ट्रेंड करना शुरू हो गया है और बीजेपी को जमकर फटकार लगानी शुरू कर दी गई है। अयोध्या और काशी में भव्य मंदिरों का निर्माण चल रहा है और मथुरा में एक के लिए तैयारी चल रही है, ऐसा इन्होंने विवादित बयान दिया है। इसके बाद लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में चुनावी माहौल के बीच बाबरी विध्वंस की बरसी पर हिंदू महासभा संगठनों का फोकस इस बार अयोध्या के बदले मथुरा पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह की चीजें कही जा रही थी तो वहां छोड़कर अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में कृष्ण भगवान का जल अभिषेक करने का ऐलान किया, जिसके बाद तनाव की आशंका बढ़ती गई और आगरा से पुलिस फोर्स भेज दी गई। मथुरा प्रशासन ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए संकल्प यात्रा की घोषणा के बाद धारा 144 लागू कर दी। इसके साथ ही मथुरा शहर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और इसके लिए आगरा से कई हजार पुलिस फोर्स को बुला लिया गया ताकि माहौल बिगड़ ना सके और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनातगी कर दी गई है। मथुरा की सुरक्षा के लिए 4 ASP, 10 CO, 40 इंस्पेक्टर और SHO, 230 दरोगा, 1000 सिपाही और 10 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जी हां, हिंदू महासभा ने कहा था कि वो भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे जो कि शाही ईदगाह है। वहीं दक्षिण पंथी संगठन नारायणी सेना ने कहा है कि वो मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्म स्थान तक मार्च निकालने वाले हैं। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने कहा है कि शाही ईदगाह तो अतिक्रमण करके बनाई गई है। पहले तो वहां राजा कंस की जेल हुआ करती थी जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वहीं इस मामले को लेकर जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारियां की है। मथुरा में किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस तरह से चाले चली जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, उस पर शिकंजा कसा जाएगा।
जैसा कि मथुरा पुलिस का एएसपी का कहना है कि हम इन लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अफवाह फैलाने और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मथुरा एएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों और संगठनों को पदयात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है और अभी या भविष्य में ऐसी किसी भी यात्रा या कार्यक्रम की अनुमति हम नहीं देने वाले हैं। मथुरा में धारा 144 लागू है और किसी भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, इस्तेमाल किया, तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये लगातार आपके सामने है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं बल्कि दो दो मंत्रियों ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद माहौल और ज़्यादा खराब होने की संभावना है और जगह जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के पास अब रणनीति कम पड़ गई है, क्योंकि चुनावी रणनीति के लिए इनके पास सिर्फ मंदिर मस्जिद का एजेंडा बचा है और जो उस एजेंडे में उनके फिट बैठता है और उसी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिससे समाज में नफरत और हिंसा भड़के। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए अब खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों से अपील कर दिया है कि अब आप शाही ईदगाह में नमाज ना पढ़ें। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, इससे आप अपने आसपास के जगहों पर नमाज पढ़ें, मस्जिदों में नमाज पढ़ें, लेकिन जहां पर हिंसा भड़कने वाली जैसी कोई चीज़ नज़र आए उससे आप दूरी बना रखें। तो कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि बीजेपी चाहे लाख कोशिश कर ले कि हिंसा भड़के, सांप्रदायिक माहौल खराब हो, लेकिन अल्पसंख्यक के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, इन सारे पचड़ों में ना पड़े जिस तरह से बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, उनसे दूरी बनाकर रखें। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर केशव मौर्य, अमित शाह और योगी जी को लेकर जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। एक ट्रेंड भी किया जा रहा है कि योगी और अमित शाह को यूपी से भगाओ, इस तरह का ट्रेंड भी चल रहा है। दूसरी तरफ सेव मथुरा शाही ईदगाह भी ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी जो मुल्क के लोग हैं, पूरी जो आवाम है, वो भाईचारगी दिखाते हुए इस तरह की चीज़ों को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि बीजेपी को कड़ी सबक सिखाई जा सके। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।